देश में गरमाए अडानी मुद्दे को लेकर आज शहर के विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी ने हम अडानी के हैं कौन श्रृंखला में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश, पूर्व मंत्री नितिन राउत, पूर्व मंत्री विजय वडेट्टीवार, विधायक विकास ठाकरे व अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। पत्रकार वार्ता में बोलते हुए मोहन प्रकाश ने कहा कि पहले हमें लगता था कि भाजपा के सभी नीति लक्ष्य रेशमबाग से तय होते हैं, लेकिन मोदी ने उस धारणा को तोड़ दिया है। गौतम अडानी नीति तय करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी अमल करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक डॉक्टर मोहन भागवत भी आज तक इन विषयों पर बोल नहीं पाए हैं। सरसंचालक ने इस संबंध में अपनी भूमिका साफ करनी चाहिए। एक सीरीज चल रही है और आज पूरे देश के अंदर 23 जगह पर आप पत्रकार मित्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अपनी बात पहुंचाने की कोशिश हम कर रहे हैं। इस समय देश बहुत गंभीर सवालों के दौर से गुजर रहा है, क्योंकि आम तौर पर संसद के अंदर इस देश के लोगों की तकलीफ, देश के बारे में सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम इन सवालों पर संसद में चर्चा होती और अब तक ये देखा गया है कि कोई भी प्रधानमंत्री हो, और जो हमारा संविधान भी कहता है कि प्रधानमंत्री संसद के प्रति जिम्मेदार होते हैं, यानी एक वक्त था कि इंदिरा जी का सारे मंत्रियों को ये निर्देश था कि अगर किसी भी एमपी का पत्र आए तो एक हफ्ते के अंदर उसको जवाब जाना चाहिए, और अगर चाहे वो विपक्ष का हो और चाहे वो सत्ता पक्ष का हो। लेकिन आज स्थिति ये है कि देश के अंदर जो विपक्ष के नेता हैं, रिकॉग्नाइज विपक्ष के नेता हैं, अगर वो कोई सवाल उठाते हैं तो जवाब देना तो दूर, स्पंज कर दिया जाता है, उसको कार्रवाई से निकाल दिया जाता है। ऐसी गंभीर स्थिति में हम आपके माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। एक तरफ महंगाई, बेरोजगारी, और ये महंगाई बेरोजगारी स्वाभाविक नहीं है, सरकार के द्वारा प्रायोजित है, सरकार की नीतियों के कारण है। इसके पहले भी महंगाई होती थी, बेरोजगारी का दर बढ़ता था, लेकिन सरकार इंटरवीन करती थी और लोगों को राहत पहुंचाने का काम होता था।